अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंटर जेरोक्स 3215 में स्कैनर लॉक को कैसे रिपेयर करते हैं इसका तरीका बताऊंगा। ये हमारे पास एक वर्क सेंटर जेरोक्स 3215 है, ये देखें। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरह की नॉइस देता है, ये देखें। और ये इसका जो अंदर से मिरर जो है वो डैमेज हो गया है। ये आप देख सकते हैं, इसकी वजह से ये स्कैनर लॉक का जो एरर है वो आ रहा है। अब हम इस स्कैनर को खोलेंगे और प्रॉब्लम को एरेडिकेट करेंगे। ये देखें, हम बैक से इसके जो स्क्रू हैं वो खोल रहे हैं। ये इस तरह से हमने इसका जो अपर कवर है खोल लेना है और इसके जो साइड कवर है वो भी खोल लेने हैं। वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सकें। ये देखें, साइड कवर हमने रिमूव कर लिया है। ये इसके साथ ये स्ट्रिप वगैरह लगी हुई है, ये देखें, ये स्ट्रिप्स हमने रिमूव कर ली हैं। और अब हमने जो फॉल्टी स्कैनर है वो उतार लिया है। इसकी जगह पे अब हम नया स्कैनर जो है वो फिक्स कर देंगे। ये देखें, इस तरह हमने रखना है। ये देखें, ये हम इसकी स्टेपल लगा दी हैं हमने और अब इसको हम बंद करने लगे हैं। ये देखें, स्कैनर को हमने बंद कर लिया है और इसको स्टार्ट किया है। ये ओके कंडीशन में है, ये देखें, रेडी फॉर कॉपी है। अब हम इसको स्कैन करके देखेंगे। ये देखें, अब इसकी जो साउंड है वो भी खत्म हो गई है और इसने स्कैन डॉक्यूमेंट जो है वो हमें प्रिंट करके दिखा दिया है। ये देखें, इसका मतलब है हमारा स्कैनर ओके कंडीशन में है। ये देखें, इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।